हाय दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आइडेंटिटी के फेस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या है फेस स्ट्रक्चर? बहुत लोग पूछते हैं कि फेस स्ट्रक्चर क्या है वहाँ से, क्योंकि आइडेंटिटी का जो वेबसाइट है उसमें फेस स्ट्रक्चर जो है ना अभी करंट में अवेलेबल नहीं है। सो हम लोग यहाँ देख लेंगे कितना फीस है, क्या है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो थोड़ा सा बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है हमें बेसिकली पे करना पड़ता है हर सेम। ठीक है, फर्स्ट सेम में हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है और सेकंड सेम से हमें फिर कुछ कम पे करना पड़ता है। ठीक है, सो ये जो है देख लीजिए कितना पे करना पड़ रहा है आप लोगों को, आप कौन से कोर्स में हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे। ये जो है बीकॉम वालों का है, बीकॉम बीएससी बीबीए गर्ल्स बॉयज़। एक बात और, यहाँ बॉयज़ को ज़्यादा पे करना पड़ता है और गर्ल को कम पे करना पड़ता है फी। ठीक है, सो आप लोग यहाँ भी देख लीजिए। ये रहा, इतना ही पे करना पड़ता है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग। आगे हम लोग बीएससी का देखेंगे। ठीक है, बीएससी में कितना पे करना पड़ता है यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये हमें जैसे बीएससी का फर्स्ट सेम में हमें 2040 रुपये पे करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड सेम से वही 1340 रुपये पर सेम हमें पे करना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से सभी के देख लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि मैं अगर एक एक को बताते रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, और एमजीएमसी वालों को देख लीजिए कितना पे करना पड़ता है। ये जो है इतना पे करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग। तो ये डिफॉर्मा प्रोग्राम का है, इसमें कितना पे करना पड़ता है? तो हमें पर फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पे करना पड़ता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमें ये पे करना पड़ता है। ठीक है, 11,150। ठीक है, और सेकंड सेम से हमें पर सेमेस्टर कितना पे करना पड़ता है? 10,450 रुपये। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आगे हम लोग बी फार्मा देखेंगे। तो बी फार्मा के लिए बी फार्मा को पे करना पड़ता है फर्स्ट सेम में 13,150। ठीक है, और सेकंड सेम से हमें पे करना पड़ता है, ये फर्स्ट सेम का है। ठीक है, और ये सेकंड सेम का। ठीक है, सेकंड सेम से पर सेम उधर, ठीक है, पर सेम पे करना पड़ता है। आगे चलेंगे हम लोग पीएचडी वालों का देख लेते हैं, पीएचडी प्रोग्राम का। तो इसमें हमें कुछ पे करना पड़ता है 9,210 रुपये। ठीक है, और पर सेमेस्टर उसके बाद 7,350 रुपये पे करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख लेंगे। ये रहा, आगे चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे बीएड वालों का, बीएड वालों को कितना पे करना पड़ता है पर सेमेस्टर। यहाँ है हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना पड़ता है 6,150, फिर सेकंड सेमेस्टर से हमें पे करना पड़ता है 5,450। ये बॉयज़ के लिए है। गर्ल्स के लिए फर्स्ट सेम में 5,450 और सेकंड सेम से 6,950। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। यहाँ हम लोग पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम को देख लेंगे कितना पे करना पड़ता है। तो ये 2,550 रुपये उसके लिए पे करना पड़ता है हमें। ठीक है, और पर सेम फिर 850 रुपये पे करना पड़ता है। आगे चलेंगे अपन। यहाँ ख़त्म हो गया दोस्तों। मैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।